मसूरी से टनोल्टी की तरफ जा रहे हैं। बाकी मेरे दोस्त हैं, हम सब रेडी वेडी हो चुके हैं और हम अपने होटल से निकलते हुए बाकी हमारे साथ के सुखजिंदर आगे चल रहा है, आरुष। बाकी आप व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है, और ये देखो बहुत मस्त। हाँ दोस्तों, हाय कर दो। गजब बेइज्जती है। रोंडे कहाँ आ रहा है? रेनॉल्टी, रेनॉल्टी आ रहा है। कल यहाँ पे बहुत रश था, आई थिंक, मुझे लग रहा आज भी है। देखते हैं, ट्रैफिक तो बहुत लगा हुआ है। एक स्कूटी चल रही है, कोविड का टाइम है तो मास्क पहनना जरूरी है। हम आ चुके हैं बादलों में, बादलों की ऊंचाइयों में। यहाँ पे बादल ही बादल हैं, कोहरा ही कोहरा है। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ आगे का, देखो आप देख सकते हैं आगे कितना कोहरा है। तो दोस्तों फुल मौज आ रही है और रनोल्टी जा रहे हैं, तो बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। आरुष है, मैं हूँ, सुक्की और कमल आगे निकल चुके हैं। नागले का चीता है वो हमारा प्यारा, और बादल ही बादल। अरे हम दिखाते हैं तुम्हें टर्न, टर्न दिखाते हैं। एक नंबर मौसम हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ होते हैं ना मजा आ जाता, बता नहीं सकते कितना प्यारा मौसम हो रहा है। बादलों की ऊंचाइयों में आ गए हम, जहाँ हर जगह बादल ही बादल। इस तरफ का दिखा सही हो रहा है। तो दोस्तों हमने थोड़ा ब्रेक लिया है और यहाँ पे रुक चुके हैं। मैं आप देख सकते हैं बादल ही बादल है, और हम बिल्कुल भी कुछ नहीं देख सकते हैं नीचे। 100 मीटर के दायरे में भी कुछ नहीं। फोटो शूट चल रहा है यहाँ पीछे, फोटो शूट चल रहे हैं यहाँ पे। स्कूटियाँ रोकी हुई हैं, ये स्कूटियाँ हमारी, और एक पहाड़ों में घूमने का जो मज़ा है, या तो आप बाइक से आए या आप आए स्कूटी से, तो आप इंजॉय कर सकते हैं सारे नज़ारों का और सारे व्यूज़ का। बड़े प्यारे खड़े नज़ारे, अच्छे नज़ारे हैं। अगर आप गाड़ी से आते हैं या बस वगैरह से आते हैं तो आप फील नहीं कर सकते जो इस समय आप फील कर रहे हैं। मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप आते हैं तो आप स्कूटी बाइक्स वगैरह से आए। बाकी हम दिखाते हैं आगे का भी। और मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, दोस्तों हम डनोल्टी पहुँच चुके हैं और ये हम इको पार्क के बाहर बैठे हुए हैं, और इस समय हम ब्रेकफास्ट या लंच खा रहे हैं, क्योंकि ना ये ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का टाइम है। चलो हम ये ख़त्म करते हैं। यह है डनोल्टी का इको पार्क, जिसकी टिकट 50 रुपीज़ की है, 50 रुपीज़ पर पर्सन। चलो दोस्तों हम इको पार्क जो डनोल्टी में है अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ये टिकट्स हैं जो हमने ले लिए, 50 रुपीज़ पर पर्सन लगता है यहाँ पे चार्ज, और
बहुत अच्छा पार्क है, कभी आप आओ तो यहाँ जरूर आना इको पार्क में। देखो कुछ राइड्स भी हैं, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये बहुत अच्छा स्पॉट है एंजॉय के लिए। और यहाँ पे फ्लावर्स हैं, अच्छे गार्डनिंग हैं, ट्रीज़ हैं और कुछ राइड्स हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। ये मेरे दोस्त आगे चल रहे हैं और ये देख, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आप यहाँ आ सकते हैं फैमिली के साथ, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं, फ्रेंड्स, और आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बस आप कोई जैकेट या स्वेटर पहन के आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है और है भी एक्चुअल में। तो दोस्तों अब हम इको पार्क में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये कितना प्यारा रास्ता है देखो। अगर आपको फोटोज़ का वीडियोज़ का शौक है तो ये पार्क सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो एक तरह से यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग कर रहे हैं, बाकी मेरे दोस्त पीछे चल रहे हैं। तो आज का डे बहुत अच्छा गुजर रहा है। व्यू देखोगे ना अच्छा, ये सब दोस्त मस्ती करते हुए, बहुत अच्छी मस्ती करते हुए। और यहाँ पे हम अपना रास्ता भटक गए हैं और ये बच्चे जो हैं रास्ता ढूंढते हुए कि जाना किधर है। भूख लगी है यार। खिलाएंगे खिलाएंगे यार। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो अब हम बाहर आ चुके हैं इको पार्क से, जो कि हमारा को कम से कम एक घंटा लग गया वो अंदर। और हमने बहुत मस्ती की, फोटोज क्लिक कराई। अब मौसम यहाँ पे बहुत बिगड़ रहा है और टाइम भी ज़्यादा हो गया। अब हम मसूरी की तरफ वापस निकल रहे हैं। हमारी पार्टी थकती हुई और यहाँ पे बैठ गए थक 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 आकर। डेनोल्टी कैसा लगा दोस्तों? आरुष भाई चलान कट गया। चलान कट गया? हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गया कि आज हमारा चलान भी कट चुका है, बहुत गंदा। जो कि हमें याद रहेगा अच्छा वाला। तो दोस्तों कभी भी आप उत्तराखंड या इधर आ रहे हैं तो हमेशा हेलमेट लगा के रखें, नहीं तो जो हमारे साथ हमारा चलान कटा है ना वैसे आपका कटेगा। तो एक तो जैकेट और एक चलान और मास्क जरूर रखें। तो दोस्तों हम डनोल्टी से नीचे उतर आए मसूरी में और रात हो चुकी है, शाम के 7 बज रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कुछ डिनर हो जाता और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। ये मसूरी की मार्केट है। अब हम यहाँ पे डिनर के लिए आए हैं और बहुत अच्छा माहौल हो रहा है यहाँ पे। ये मेरे दोस्त, ठंड लग रही है इनको बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे और ट्रैफिक भी हो रहा है। बारिश स्टार्ट हो गई है इस टाइम, हमें मार रोड पे और बारिश हो गई स्टार्ट। किस बात का डर था भाई? वाह, बारिश स्टार्ट हो गई है। इस समय हम माल रोड पर हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है। डिनर तो हमारा हुआ नहीं कि रास्ते में से भगना पड़ गया। ये हम देख रहे हैं, जा रहे हैं कहीं और जाके देखते हैं। यहाँ तो बहुत तेज बारिश है और ये सुखी पाजी हमारे राइडर साहब, नागलोई का मशहूर चीता मसूरी में। ये